हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आदि बैठा है इसकी भोली वाली शक्ल में मत जाइएगा, ये बहुत चालाक आदमी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये MDF बोर्ड में यूज़ कर रहा हूँ 3mm का, और 5x3 और 2x3 इंच का मैंने डायमेंशन ले लिया है। मैंने यहाँ से फेविकोल यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं इसका एक बॉक्स टाइप बनाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत छोटी बनाऊंगा मैं, आप जानते हैं वीडियो में ज़्यादा फालतू नहीं बनाता, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखेगा और बीच बीच में आपको नॉलेज भी देता रहता हूँ काफ़ी सारी। तो मैंने, आप देखते हो, इस तरह का बॉक्स बना दिया क्योंकि सारे कंपोनेंट्स मैं इसको अंदर लगाने वाला हूँ। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको एक साइट का नाम बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ गूगल पर और सर्च करता हूँ utsource.net। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने सर्च किया utsource.net, तो एक साइट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आप देख सकते हो। और जितने फ्रेंड्स आप मार्केट से परचेस करते हो कंपोनेंट्स, यहाँ पर काफ़ी चीप रेट में मिल जाएंगे और काफ़ी ट्रस्टेड साइट है। तो आप देख सकते हो, PCB, ट्रांजिस्टर, मॉड्यूल, आर्डिनो से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, या रोबोट के पार्ट्स होते हैं, या ड्रोन के पार्ट्स होते हैं, रेस्पबेरी पाई, सारे पार्ट्स आपको काफ़ी चीप रेट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अधिक जानकारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ जाकर विजिट कर सकते हो। समर एक्सपेरिमेंट। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक DP-DT3 पोजीशन स्विच ले लिया है। आप इसे 6 पिन का स्विच भी कह सकते हो, ये 3 पोजीशन में होता है, ऑन, ऑफ एंड ऑन। तो इसको मैं MDF बोर्ड का जो फेस होता है, जो हम बॉक्स बनाएंगे, उसके बिल्कुल फेस में लगा देंगे। तो काफ़ी इजी, इसके डायमेंशन आप नाप कर इसका सीधा यहाँ पर कट कर सकते हो, जिसे मैंने कट कर लिया। कट करने के लिए आप कोई भी नाप तक का यूज़ कर सकते हो, MDF बोर्ड ईजिली कट जाता है। और 5mm की मैं 2 LED यूज़ करूँगा। LED आप कोई से कलर की यूज़ कर सकते हो, आप ग्रीन कलर की यूज़ कर सकते हो, जो से आपको कलर चाहिए। मैं तो सिर्फ एक इंडिकेट के लिए LED लगा रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, लगाइए मत लगाइए। तो आप देख सकते हैं, 2 LED मैंने यहाँ लगा दी हैं। अब मैं इसके कनेक्शन पाता हूँ। कनेक्शन फ्रेंड्स बहुत ईजी है, जब मैं इस बार इधर पोजिशन पर दूंगा तो ये वाली LED चलेगी, और जब इधर पोजिशन करूँगा तो ये रेड LED चलेगी। तो इसी बार पोजिशन बताएगी, बाकी कोई ऑप्शनल है। और ये मैं गियर मोटर यूज़ करूँगा, जो कि 60 RPM में होता है, 12 वोल्ट पर काम करता है, हम इसे 12 वोल्ट से चलाएंगे। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ इसे इस जगह लगा दूंगा, एक होल मैंने कर दिया है, और होल करके फ्रेंड्स मैं इसके अंदर लगा दूंगा। आप चाहे तो MDF बोर्ड यूज़ ना करके कोई दूसरा बोर्ड यूज़ कर सकते हो, ये तो मैंडेटरी नहीं कि आप MDF बोर्ड यूज़ करें। ये तो फ्रेंड्स मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, आप चाहे अपने हिसाब से इसे बना सकते हो। तो देखिए, बन चुका है, और यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है, जो कि हमारा बॉक्स कम्प्लीट हो गया। अब आपको DC सॉकेट लगाना है, और थोड़ी सी हंसी के साथ आप DC सॉकेट देख सकते हो। तो ये DC सॉकेट आपको मिल जाएगा काफ़ी ईजिली, और इसके मैं बीच का जो मिड वाला पॉइंट है फ्रेंड, उसे कट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये इसका नेगेटिव है, और जो आप देख रहे हो पिन वाला, ये इसका पॉजिटिव होता है। सो फ्रेंड्स, इस DC सॉकेट से हम बार बार इनपुट लेंगे। तो दोस्तों, इस बंदे के लिए एक लाइक तो बता, कितना मेहनती इंसान है, काम चोर कहीं का। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में आते हैं। देखिए, इसको आपको बनाना नहीं है, ये ऑलरेडी बनाना है। मैं इसका यूज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको करना है, इसको छील लेना है, और बिना 1 मिनट करे आपको खा जाना है। तो दोस्तों, बहुत भूख लग रही है यार, काम भी जरूरी यार, पेट पूजा भी जरूरी, तो मैंने खा लिया, आप देख सकते हो सबूत ये रहा। तो चलिए फ्रेंड, टॉपिक पर चलते हैं। तो आपको X टाइप का कनेक्शन कर लेना है, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी स्विच में, और अब मोटर के कनेक्शन पाते हैं। तो मैं अभी आपको सिर्फ कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। जो इसकी डायरेक्शन डिवाइड डायरेक्शन होगी वो माइनस और प्लस के अकॉर्डिंग होगी। तो अगर बाई चांस इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो आप यहाँ वायर चेंज कर दीजिएगा। तो 2 वायर आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर अभी पिन जो बच रहे हैं हमारे स्विच पर, यहाँ पर आपको कनेक्शन दे देना है, जो कि मोटर कनेक्शन है। तो X टाइप का पहले आपको बना लेना है, बाद में आपको 2 पिन जो लेफ्ट है बच रही हैं, वहाँ पर आपको कनेक्शन दे देना है। मेन चीज़ ये दोस्तों, अभी इसका नेगेटिव पॉजिटिव आपको नहीं देखना, जब आप कनेक्शन कर दोगे तो अगर उल्टे वायर होंगे, यानी डायरेक्शन चेंज होगी मोटर की। चलिए LED पर आते हैं। तो 2 LED मैंने यहाँ लगाई हैं, रेड और ग्रीन। तो अब आपको क्या करना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपस में कनेक्ट कर देना है, जैसे ग्रीन LED की पॉजिटिव है और रेड की ये नेगेटिव पॉइंट, यानी कि छोटी और बड़ी लैग को आपको मिला देना है वायर से, और आपको कनेक्शन दे देना है जो जहाँ की हमने मोटर का वायर लगाए थे। तो जैसे फ्रेंड्स मोटर हमारा डायरेक्शन चेंज करेगा, तो रेड LED चलेगी, और डायरेक्शन का उल्टी चेंज करेगा तो हमारी ग्रीन LED चल जाएगी। बस ये इसका फंडा है। तो कनेक्शन बहुत ईजी है, ऐसी बात नहीं कि मुझे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो तो ईजिली बना लोगे। अब आपको एक रेजिस्टेंस भी लगाना है 1K का, यानी कि 1/4 वाट में काम कर जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट से LED फ्यूज जाएंगी। तो 1K का रेजिस्टेंस है 1/4 वाट में, तो काफ़ी चीप रेट मिल जाते हैं। तो मोटर पे किसी भी वायर पर आप लगा दीजिए, किसी भी एक वायर पर, तो LED के, जिससे कि हमारी LED फ्यूज ना हो, क्योंकि हमारी 12 वोल्ट से वर्क करेंगी 3 वोल्ट पे। तो आप देख सकते फ्रेंड्स, अब सॉकेट पाते हैं, डी सॉकेट जो इनपुट होगा। तो एक वायर मैंने ले लिया है ग्रीन कलर का, आप देख रहे हो सॉकेट से, आप इस पर लगा दीजिए या इस पर लगा दीजिए, कोई सी भी दोनों वायर पर लगा दीजिए आप, क्योंकि मैंने बताया ना, अगर आपको वायर उल्टी भी लग गई तो सिर्फ मोटर की डायरेक्शन चेंज आएगी। तो मैंने यहाँ ग्रीन वायर लगा दिया। अब मैं आता हूँ फ्रेंड्स रेड पर।
तो रेड जो पॉजिटिव हमने लिया है वो पॉजिटिव हमने उस पर लगा देना दूसरे वाले पे जो कि एक्स वायर होगा उसका साइड वाला। तो फ्रेंड्स कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बॉक्स बंद करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका और मैं 12 वोल्ट इनपुट इसमें दे रहा हूँ। तो 12 वोल्ट इनपुट दिया। अब फ्रेंड्स देखिए अभी ऑफ है, जैसे मैं इधर करता हूँ तो डायरेक्शन इधर चेंज होगी और रेड कलर की LED ब्राइट होगी, और जब मैं इसे मिड में करूँगा स्विच को तो ऑफ हो जाएगा क्योंकि ऑन ऑफ ऑन है। जैसे इधर करता हूँ दोस्तों उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारी जो ग्रीन कलर की LED वो ब्राइट होगी। तो देखिए बहुत पावरफुल मोटर होता है, इजीली नहीं रुकता, रोक रहा हूँ तब भी नहीं रुक रहा। तो चलिए मैं इसे लगा देता हूँ जो अपनी जहाँ पर मेरा टंकी लग रही है, टैप लग रही है, नल भी कहते हैं जिसे, तो वहाँ पर मैं ड्रिल करके वहाँ पर गिट्टी लगा के इसे रोक दूंगा क्योंकि फ्रेंड इसे हमें अच्छे से रोकना है क्योंकि जो हमारी बेल्ट जाएगी ना वो सीधी जाएगी गियर मोटर के जो शाफ्ट है उस पर, तो उससे क्या होगा दोस्तों इस पर लोड पड़ेगा, इस टाइम ये राउंड यानी रोटेट करेगा मोटर हमारा। तो अच्छे से मैं इसे लगा देता हूँ मजबूती से और बाद में मैं इसे फेविकोल लगा के मैं इसे चिपका दूंगा मोटर को। सो मेरे दोस्त अभी बहुत सारी कमियाँ रह गई हैं और मैं कमी इसको आपकी इसी वीडियो में बता दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिए, अभी वीडियो खत्म नहीं है। तो दोस्तों बेल्ट बनाने की साइकिल ट्यूब में यूज़ कर रहा हूँ, ये फ्री की है, ठीक है। मैं आपको दूसरा इसका ऑप्शन बताता हूँ जो कि काफ़ी कॉस्टली, ये 150 मीटर है, इसकी टाइमिंग पुलिस होती है फ्रेंड उसकी बेल्ट है, 150 रुपये मीटर आती है, बहुत कॉस्टली पड़ती है, ये फ्री की है। अब आप मर्जी आपकी, चॉइस आपकी। तो मैं ऐसा कट कर लूँगा जितनी भी आपको लगानी है उसके हिसाब से। और ये भी फ्रेंड्स बस ये है कि इसकी थोड़ी पकड़ कम है, उसकी पकड़ बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें थोड़े से तीथ निकले हुए हैं और मैं इसके थोड़े तीथ बना लूँगा। तो जो मेरे पास पुरानी ट्यूब पड़ी थी उसका ही मैं ऐसे थोड़ा कट करके इस टाइप के इसके तीथ बना लूँगा सार में, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस टाइप से। सो दोस्तों तीथ लगाने से इसकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, जैसे कि मार्केट वाली मैंने आपको दिखाई, तो ये वैसा काम तो बिल्कुल नहीं करेगी लेकिन फ्रेंड्स काम करेगी क्योंकि फ्रेंड्स हमें अगर फ्री में जुगाड़े इतने में इतना ही मिलेगा यार। तो आप देखते हो सॉफ्ट दोस्तों बिल्कुल चिकनी है ना, इस पर बिल्कुल स्लिप हो सकती है। तो ये मैं गियर ले रहा हूँ और जरूरी नहीं कि आप गियर ले होगा भी नहीं आपके पास क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो आप कुछ भी चीज़ दोस्त इस पर आप जो सैंड पेपर मार सकते हो इसके शार्ट पर, यानी कि आपको स्लिप इससे थोड़ा आपको खुरदरा टाइप को बना लेना है, रफ टाइप को बना लेना है घिसके, जिससे कि दोस्तों इस पर हमारी बेल्ट स्लिप ना हो। तो बेल्ट में लगा देता हूँ और आप देख सकते हो कनेक्शन कंप्लीट हो चुके। अब मैं इसको 12 वोल्ट DC दूंगा, तो 12 वोल्ट DC लिए दोस्तों आप इसे अडेप्टर दे सकते हो या कोई बैटरी आपको वैसे दे सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स काम ये कर रहा है, मुझे इसके अंदर क्या कमी लगी दोस्तों, इसके 60 RPM यानी कि 60 RPM बहुत कम है, स्पीड बहुत कम है, 120 से 180 RPM में भी मोटर आते हैं 12 वोल्ट के, अब उन्हें लगा लीजिए वो बिल्कुल ठीक काम करेंगे। तो आप देखिए तो काम तो 100% करता है, मोटर के अंदर पावर तो काफ़ी अच्छी है तो काम तो करता ही। लेकिन फ्रेंड्स आपको सिर्फ इसमें मोटर की आप RPM बढ़ा के ले लीजिए, तो प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, घर पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम 100% करता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी कमी प्लीज़ आप मुझे कमेंट से कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।